हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रंबल। आई एम तुषार। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है, एक बच्चे ने टेलीग्राम पर भेजा था कि इसका बेस्ट सॉल्यूशन सर बताइए क्या होगा। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन का जो ट्रिक होती है करने की या जो बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है, मैंने आपको पहले डिस्कस किया हुआ यूट्यूब पे। आप अगर सिंप्लीफिकेशन ट्रिक्स की वीडियोस में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें दो अलग अलग चीज़ें मिक्स हो गई हैं और बच्चों को समझ में वो आता नहीं कि भाई होगा कैसे। तो वही चीज़ हम यहाँ पे सीखेंगे, भाई करना कैसे है, क्या करना है, एवरीथिंग। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। और बाकी जो मैंने पहले आपको ट्रिक्स बता रखी है इस टाइप के क्वेश्चन को करने की, उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, ठीक है, फिर कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगा। ठीक है, चलिए फटाफट से इसको देखिए कैसे करेंगे। सो देखिए, ये जो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे ना दो चीज़ें मिला दी गई हैं, क्या क्या मिला दिया गया, देखिए आप एक चीज़ देखेंगे कि एक तो आप देखेंगे, देखिए हर एक जगह 7 ऊपर न्यूमिनेटर में कॉमन है ना, ऐसी एक जगह आप देखेंगे 11 आपका कॉमन है हर जगह, है ना, दिख रही है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो आप मान लीजिए आधी आपने जंग जीत ली, क्योंकि आगे का खेल तो केवल वो जो किसी को ट्रिक आती है तो फटाफट से कर लेगा, नहीं आती नहीं कर पाएगा। सो देखिए, पहले हम इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो देखिए ऐसा कुछ लिखा है, 7/2 प्लस 7/6 फिर प्लस 7/12 और एंड सो ऑन आगे चल के प्लस 7/156। ठीक है, एक तो ये सीरीज है प्लस एक लिखी आपकी सेकंड सीरीज 11 वाली, तो 11 बटे में 3 है प्लस 11 बटे में आपका फिर कितना है 15 है प्लस 11/35 एंड ऐसी चलते चलते आपका लास्ट में है 11/575। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी कुछ भी समझने में, सब कुछ बेसिक मैंने बस छांट दिया। ठीक है, अब देखिए अब है मेन खेल जो आपका है। अब आप देखिए ये जो चीज़ है, ये वाले जो सीरीज में ये जो लिखी है और देखिए इनको देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ। देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 7/1 × 2। अच्छा, 7 तो आप कॉमन ही ले लीजिए बाहर, 7 का तो खेल ही नहीं है, सब में आए तो 7 तो आप बाहर कॉमन ले लीजिए, ऐसे ही वहाँ से 11 बाहर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 एंड सो ऑन, और लास्ट में जाके बनेगा ये 1/12 × 30। बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। ऐसी सिमिलरली यहाँ से 11 कॉमन आ जाएगा, अंदर बनेगा 1/1 × 3 मतलब 2 के गैप से। यहाँ पे देखिए सीधे था, मैंने कंसेक्यूटिवली चल रहे थे नंबर मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे 2 के गैप पे चलेंगे, यानी ऑड नंबर्स का बेसिकली बनेगा। 1/3 × 5 ऐसे ही चलते चलते लास्ट में जाएगा आपका 1/23 × 25 क्योंकि 23×25 करेंगे तो आपका 575 आता है। ठीक है, तो पता होगा, ये तो बेसिक सी बात है। अब देखिए आगे क्या करना है, आगे है और इम्पॉर्टेंट चीज़। सो अब देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, बंदर वाले को देखिए सॉल्व करना आपको बताता हूँ कैसे करते हैं, बहुत ही ईजी है, मैंने पहले भी बताया आपको, बताया मैंने उसका लिंक जो है वीडियो का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो देखिए ये जो अंदर वाले जो टर्म्स हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आपको ये देखना है टोटल कितने टर्म्स हैं। तो आप देखेंगे ये टोटल 12 टर्म्स हैं, ये भी 12 हैं, ठीक है, और ये वाले भी 12 टर्म्स हैं। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे अपन लोग, तो देखिए जितने टर्म्स होते हैं अंदर का सॉल्व करना बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, तो उसको तो लिखेंगे न्यूमिनेटर में, जितने भी टर्म्स हैं 12 टर्म्स हैं 12 ऊपर लिखा। अब बाद में क्या करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में क्या करना है, ये जो फर्स्ट टर्म है ना आपका फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट वाला पार्ट यानी 1 और लास्ट टर्म का लास्ट वाला ये 13 है ना, 1 × 13। ठीक है, ये हो गया इतना सा सॉल्व, 7 × 12 / 1/13। अगले वाले को देखिए, समझ गए होंगे अब क्या करना है, आप खुद ही करिए। ये भी देखिए 12 टर्म्स है तो 12 ऊपर आएगा, नीचे देखिए फर्स्ट का तो ये 1 ही है, 1 × 25 लास्ट वाला। आप कहेंगे 3 या इनके गैप का कुछ काम नहीं है, देखिए गैप का काम तब पड़ता है जब वो प्लस वाली सीरीज बनती है, जैसे यहाँ तो अभी नीचे में मल्टीप्लाई है, अगर प्लस होती तो हम गैप को भी देखते क्या गैप आ रहा है, वो वहाँ पे काम पड़ेगा प्लस वाले में, बताया हुआ है देख लीजिएगा जाके। ठीक है, ये करना था आपको, कुछ नहीं, अब इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट से, तो कितना हो जाएगा 12/87/13 प्लस 12×11 करेंगे 132/25 एलसीएम ले लेंगे आप इन दोनों का 25 और 13 का। ठीक, यहाँ तो मेरे को लगता है यहाँ की बात तो आप कर ही देंगे, बाकी मैं चलिए करा देता हूँ, तो 25 और 13 का आपका एलसीएम हो जाएगा 325। ठीक है, 84 को 25 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, तो ये आपको कितना जाएगा 25×8 283 हो गए, और 25 का 2100
प्लस 132 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 इंटू 13 1690 और दोनों 26, तो ये हो जाएगा आपका 1716। दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर बनेगा वो ये बनेगा आपका 3816 अपॉन में 325। ये ऑप्शन में भी था, जिस बच्चे ने भेजा वो चेक कर सकता है। मैंने प्रॉपर सॉल्यूशन ऐसे भेजा था लिख के तब, बट मैंने समझा भी दिया है तो वो इसको चेकआउट कर सकता है। बाकी जो मैंने और क्वेश्चंस कराए हैं उनका मैं लिंक जो है वीडियो का आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन और कमेंट मतलब जहाँ भी पॉसिबल होगा दे दूंगा आपको, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड की प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। और हाँ, अगर सॉल्यूशन पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट आप इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोज कभी मिस ना करें। बाय बाय।